नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आप में से कई सारे दर्शकों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि मां अहिल्या के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था उस विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, काशी विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण तो सूबेदार मल्हार राव होलकर भी करवाना चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव जो है वह होलकरों के आराध्य है, उनके लिए परम पूजनीय है। परंतु उस समय अवध के नवाब सफदरजंग, जो कि काशी के पंडितों को डरा धमका कर मराठों को काशी विश्वेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण से रोक देते हैं, वह क्या करते हैं कि पंडितों को पकड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर मराठों ने यहाँ पर यह मंदिर बना दिया तो हम बाद में, वो तो यहाँ से जब चले जाएंगे तो तुम लोगों का रहना मुश्किल कर देंगे। तो यही प्रार्थना लेकर वो पंडित सुबेदार मल्हार राव होलकर और नाना साहेब पेशवा के पास जाते हैं और उनसे इस मंदिर के निर्माण कार्य को रुकवा देते हैं। फिर दोस्तों, इस घटना के लगभग 30 वर्ष के बाद माँ अहिल्या अपने ससुर के संकल्प को पूरा करने का बेड़ा उठाती है और अपने आराध्य का मंदिर वहीं बनाने का निश्चय करती है जहां पर वह हजारों सालों से विद्यमान था, जिसे सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गोरी ने तोड़ा था। दोस्तों, इस मंदिर को जब से भारत में यह विदेशी आक्रमणकारियों का आना शुरू हुआ है, हर कालखंड में बहुत सारे ऐसे आक्रांता हुए हैं जिन्होंने इस सनातन के मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे तोड़ा था और फिर उसके बाद में जो शासक आई थी बहुत बाद में रजिया सुल्तान, उसने यहाँ पर रजिया मॉस्क का निर्माण कार्य करवाया था। हालांकि रजिया का शासनकाल बहुत कम समय का था, परंतु फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उसने यहाँ पे ये निर्माण कार्य करवाया था। और सन 1230 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य के हमें प्रमाण मिलते हैं, जो कि अविमुक्तेश्वर मंदिर जो है उसके पास यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कार्य होता है। परंतु 15वीं सदी के उत्तरार्ध में इस मंदिर को पुनः इस्लामी शासकों के द्वारा गिरा दिया जाता है और फिर मुगल बादशाह अकबर के समय राजा मान सिंह और उनके बाद राजा टोडरमल जो थे, जो कि उनके नवरत्नों में भी शामिल थे, इस मंदिर का वह पुनर्निर्माण और निर्माण कार्य करवाते हैं। ऐसी बात हमारे सामने आती है। और दोस्तों, फिर सन 1669 में जो सबसे क्रूर मुगल शासक बादशाह कहा जाता है औरंगजेब, उसने इस मंदिर को यहाँ पर गिरवा दिया और मंदिर के ढांचे के ऊपर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। यहाँ पर जो ज्ञानवापी है, यह एक पाठशाला थी दोस्तों उस समय। और फिर वह समय आता है जब माँ अहिल्या और श्री तुकोजी बाऊजी मिलकर होलकर घराने की जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। इस समय गौतमा बाई साहेब और सूबेदार मल्हार राव होलकर और माँ अहिल्या के इकलौते पुत्र माले राव का देहांत हो चुका था। यह बात सन 1770 के दशक के उत्तरार्ध की है, जब काशी के चार ब्राह्मण माँ अहिल्या से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि काशी के मुस्लिम शासकों के कारण हम पंडितों वहां ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, हमारे धार्मिक अनुष्ठान वेद उपनिषद का पाठ ठीक से नहीं हो पा रहा है। उस समय जो काशी था वह अवध के नवाब आसिफुद्दौला के अधीन आता था। वह अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ भी ले गया था। हालांकि दोस्तों, उस समय जो दिल्ली के मुगल बादशाह से लेकर उत्तर भारत के जितने भी नवाब थे, यह मराठों की कृपा से ही उनके गद्दी पर विराजमान थे, मराठों का ही इनको संरक्षण प्राप्त था। परंतु फिर भी एक रेजिस्टेंस और एक प्रतिरोध तो यह मराठों के लिए थे ही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो माँ अहिल्या ने उन ब्राह्मणों से जो आए थे चार मिलने, उनसे यह कहती है कि आप लोग महेश्वर में आ जाइए, आप लोग महेश्वर में शरण ले सकते हैं और यहाँ पे आप वेद पाठ आपका जो भी करना है वह कार्य कीजिए। वैसे भी यहाँ पे हम प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, इसमें आप भी आकर यहाँ पर रह सकते हैं। तो वो ब्राह्मण इस बात को सम्मानपूर्वक स्वीकारते हैं, परंतु वह कहते हैं कि माँ साहेब, बात सिर्फ हम चार ब्राह्मणों की नहीं है, हमारे जैसे सैकड़ों ब्राह्मण और काशी में है, उनका क्या,
उनका क्या होगा? तब माँ अहिल्या समझ जाती है कि ये इशारा क्या कर रहे हैं, और माँ अहिल्या फिर अपने जो राजदूत थे पंडित विसाजी देश पांडे को काशी भेजकर पंडितों की सुरक्षा एवं वेदशाला की व्यवस्था करने का आदेश देती है वहां पर, और यह निश्चित भी करवाती है कि वहां पर यह सभी कार्य सुचारू रूप से चले। तो दोस्तों सन 1780 का समय जो था, उस समय माँ अहिल्या का दर्जा इतना ऊंचा था कि जो दिल्ली के बादशाह थे, चाहे वो नॉमिनल ही क्यों ना हो, वह पूरे सम्मान पूर्वक माँ अहिल्या को भी पत्र लिखते थे। पेशवा को तो लिखते ही थे और महादजी शिंदे जो थे उनको भी लिखते थे, परंतु माँ अहिल्या को भी वह सम्मान देता था, दिल्ली का जो बादशाह था। तो माँ अहिल्या ने समझ लिया था कि यही सही समय है, वह वहां जमीन खरीदने की औपचारिकताएं भी पूरी करवाती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ज्ञानवापी परिसर में एक ब्राह्मण की कुटिया में शिवलिंग, जो कि काशी विश्वेश्वर में आज भी प्रतिष्ठित है, उस शिवलिंग के स्थान को बिना बदले ही उसके इर्द गिर्द मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ताकि उस शिवलिंग की, उस स्थान की पवित्रता वैसे के वैसे ही मेंटेन रह सके। और सन 1785 में, इसके बाद में माँ अहिल्या मणिकर्णिका घाट का भी निर्माण कार्य करवाती है, जिस पर उस समय के हिसाब से 25,000 रुपए का खर्च हुआ था, जो कि आज के समय के करोड़ों रुपए होंगे दोस्तों। और माँ अहिल्या वहीं पर गौतमेश्वर एवं अहिल्योद्धारकेश्वर मंदिर का भी निर्माण कार्य करवाती है। तो दोस्तों जो सौभाग्य सूबेदार मल्हार सरकार को नहीं मिला था, वह माँ अहिल्या को मिला, और माँ अहिल्या के सफल होने का पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वह भगवान शिव की कृपा के अलावा यह भी था कि मल्हार सरकार के समय मराठे नए नए उत्तर भारत में प्रवेश किए थे, तो वहां के लोगों को अभी मराठों में इतना विश्वास नहीं था कि ये लोग यहाँ पे कब तक टिकेंगे, कब तक रहेंगे, ये चले गए तो हमारा क्या होगा, वापस से हमें मुगल शासक सताएंगे तो नहीं। तो उस समय विश्वास लोगों का कम था, परंतु माँ अहिल्या के दौर में ऐसा हो गया था कि मराठे एक लंबे समय से उत्तर भारत में विराजमान हो चुके थे, तो लोगों का विश्वास बन गया था कि हाँ ये एक स्थायी ताकत है, ये यहाँ पे बने रहेंगे। और दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय उत्तर भारत में महादजी सिंधिया जैसा रणबांकुरा भी बैठा हुआ था। तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह आप यदि कहेंगे तो वह तो भगवान शिव पर माँ अहिल्या की अटूट आस्था एवं संकल्प को ही कह सकते हो। और दोस्तों फिर इसके बाद जब यह निर्माण कार्य हुआ, तो अन्य भारतीय राजाओं भी जो धर्म के प्रति आस्था रखते थे, उन्होंने भी इस मंदिर के निर्माण कार्य एवं यहाँ पे कई सारे धार्मिक कार्यों में हिस्सा लिया। जैसे कि सन 1828 में सरदार दौलतराव सिंधिया की पत्नी वाइजाबाई ने 40 खंभों वाले एक छत्र मंडप का निर्माण यहाँ पे करवाया था, और सन 1835 में हिंदुस्तान की शान महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर 1 टन सोने का दान दिया था, जिसपे जिसके आज दोस्तों आप ये मंदिर के जो शिखरों के ऊपर जो सोना देख रहे हैं, यह उसी दान दिए गए मंदिर को पत्रा में कन्वर्ट करके मंदिर के ऊपर चढ़ाया गया था दोस्तों, जिस तरह से आप स्वर्ण मंदिर में भी देखते हैं। तो दोस्तों सन 1841 में जो नागपुर के रघुजी भोसले तृतीय थे, यहाँ पर उन्होंने भी चांदी का दान दिया था, और जो नेपाल के राणा थे उन्होंने यहाँ पे 7 फीट ऊंचे नंदी महाराज की जो प्रतिमा है उसका दान दिया था। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करवाया है। तो दोस्तों यह थी बात काशी विश्वेश्वर मंदिर की, जो कि आज के वीडियो में आपके आग्रह पर हमने प्रस्तुत करी। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।